Hello students, this is Ayush Nag and today we'll continue our exercise 5.5 which is based on logarithmic differentiation and I hope so sabne purane videos pure acche se dekh liye honge and concepts sare clear ho gaye honge. Now baat karte hain logarithmic differentiation. ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लॉग के बारे में, लॉग्स के फॉर्मूला के बारे में, है ना, ताकि हम लोग एक्सरसाइज करते वक्त हमें दिक्कत ना आए. ठीक है, तो डेफिनेटली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो इसमें लॉग के फॉर्मूला 100% लगने वाले हैं. सो लेट डिस्कस सम फॉर्मूला. सो पहला फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे अच्छा हल्का सा मैं आपको आइडिया दो, हल्का सा, ज़्यादा डीपली मत जाना, डीप जाने के लिए प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ता है उसके लिए. सो प्लीज़ एक बार देख लो यहाँ पे कैसे होता है. जैसे e की पावर log कैसे आता है, x की पावर मैं बोलूँ 2 की पावर 3 इक्वल्स टू बोलता हूँ एट. ठीक है, यहाँ पे तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे log के फॉर्म में ले जाना है इसको तो क्या होगा, ये 2 यहाँ जाएगा. देखो और अच्छा देखो, 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8 बोलता हूँ मैं तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा. तो 3 इक्वल्स टू log 2 जो होगा बेस में चला जाएगा और ये 8. तो मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर क्या हो कि मुझे 8 मिले. क्या बोला मैं, 2 की पावर ऐसी क्या होनी चाहिए कि मुझे 8 मिले. तो 2 की पावर 3 होना चाहिए ताकि मुझे 8 मिले. क्या बोला मैं, 2 की पावर 3 होना चाहिए ताकि मुझे क्या मिले, 8 मिले. क्लियर हुआ यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं log 8 टू दी बेस 2. क्लियर हुआ है यहाँ पे, श्योर. चलते हैं अपन आगे. सो आपको इतना डीप में नहीं जाना है, अपने को सिंपल नॉर्मल सा काम पढ़ना है, फॉर्मूला देखना है. सब लोग फॉर्मूला पे आ जाओ, ये सिर्फ हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कैसे log आया है, बट ठीक है अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पे बात करते हैं. तो पहला log m इंटू n, ठीक है, यहाँ पे तो आएगा log m प्लस log n. अगर दो चीज़ प्रोडक्ट में है तो क्या आएगा, log m प्लस log n. बट दिस इज बाय डिफॉल्ट कि यहाँ पे बेस तुम्हारा क्या चल रहा है, यही चल रहा है. क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम लोग 1/x तभी कर पाते हैं जब मेरा बेस क्या हो, e में हो. ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा, इट्स अंडरस्टूड कि बेस तुम्हारा किस में है, e में है. अच्छा, फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज कैन आई से, जैसे जरूर तो ना एम एन हो, जैसे एम हुआ, डॉट एन हुआ, डॉट ए हुआ, डॉट बी हुआ, 4 अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो आई कैन डेफिनेटली राइट log m प्लस log n प्लस log a प्लस log b. ठीक है, तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर सब लोग रखना अपने अंदर. क्लियर, मैं आपको सिखाऊंगा मिस्टेक्स जो आप लोग कर ले जनरली, तो वो भी हम लोग इसके बाद बात करेंगे. सो सेकेंड फॉर्मूला बच्चों, log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो यू विल राइट log m माइनस log n. क्लियर, m लिखा जो डिनोमिनेटर में है उसका चला जाएगा माइनस, तो log m माइनस log n. क्लियर, थर्ड log m की पावर n, क्या बोला मैं, log m की पावर n, ये m की पावर n है, ठीक है ना, पूरे का नहीं है, जो आगे जो लिखा है m उसकी पावर n है. तो क्या होगा बच्चों, ये n आगे आ जाएगा, n हो जाएगा log m. क्लियर हुआ, परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, m की पावर n, तो n आगे आ गया और log m हो गया. क्लियर, फोर्थ, अच्छा हमें एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल लेते हैं log x की पावर 4, क्या बोला, log x की पावर 4, तो 4 आगे आया और log x हो गया. क्लियर हुआ, परफेक्ट, ये जो 4 था ये आगे आ जाएगा. अच्छा सेकेंड थिंग, वाइस वर्सा, यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो रिवर्स भी सोच सकता हूँ, ये रिवर्स भी सोच सकते हैं हम लोग, और ये भी जो है इसका भी हम लोग रिवर्स प्रोसेस सोच सकते हैं. क्लियर, नेक्स्ट इसको मैं बोलूँगा बेस चेंज प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल m और n है, जनरली बेस मेरा e ही होता है, पर कभी बाय चांस बेस e नहीं हो, ठीक है, बेस हो n, n मतलब कुछ भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, एनीथिंग, तो मुझे लाना है अपनी इच्छा से बेस लाना है. जनरली यहाँ पे डिफरेंशिएशन मेरी इच्छा होगी e लाने की, बट कभी भी फॉर द फ्यूचर से ऑल्सो मुझे बेस अपनी इच्छा से कुछ सेट करना है, तो आई कैन राइट log
एम लिखा, ये नीचे वाला लॉग एन लिखा, बेस अपनी हिसाब से मैंने ले लिया ए, दोनों तरफ सेटिंग कर दी मैंने, यहाँ पे बेस की क्या कर दी मैंने, ए कर दिया। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे लॉग 3 ले लिया टू दी बेस 2 ले लिया, पर सर मुझे बेस ई चाहिए, या चलो सी मत लो, एक्स स्क्वायर ले लो या एक्स ले लो। ठीक है, मुझे बेस सर ई चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, लॉग ई एक्स एंड लॉग ई 2, समझ रहे हो, इस 2 को यहाँ लिख दिया मेन फ्रेम पे, वो बेस लगा दिया ई, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला एम प्लस एन हो जाएगा लॉग एम प्लस एन, डिवाइड वाला लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, एम की पावर एन तो एन आगे आ जाएगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी मेरे पास। एंड नेक्स्ट बेस चेंज प्रॉपर्टी, एम और एन हुआ, बेस मुझे मेरी इच्छा से लाना है तो एन को यहाँ लिखा, और ए मेरी जो इच्छा है, ई हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, ये मेरी इच्छा आ गई यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखाया। नो गलती, मिस्टेक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक्स क्या है, पहली मिस्टेक, ज़्यादा मिस्टेक तो वो क्या है, आ जाओ, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जैसे लॉग लिखा है ब्रैकेट में m प्लस एन लिखा है, लॉग लिखा है ब्रैकेट में m प्लस एन लिखा है, तो आई कांट राइट, मैं नहीं लिख सकता ऐसा। जनरली बच्चे क्या लिखते हैं, ऐसे लॉग को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, इधर इट कैन प्लस और माइनस। बात समझाई आपको, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, जनरली लोग इस चीज़ को ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर ब्रैकेट में लॉग ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे, श्योर, चलें अपन आगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन एक्सरसाइज का, ये प्रॉपर्टीज पहले याद कर लेना अच्छे से। अब सर पहला सवाल, दूसरा सवाल तो हमारा ये आता है, हमको कैसे पता चलेगा कि लॉग लगाना कब है कब नहीं लगाना है। बिल्कुल, तो दो टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि सर लॉग लगाना कब है। ठीक है भाई, ठीक है, अभी तो हम लोग 5.5 कर रहे हैं, हमको पता है कि यहाँ लॉग लगना है तो लॉग लगा देंगे, पर बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में कैसे पता चलेगा मुझे कि लॉग लगाना है या नहीं लगाना है। सो गाइस, पहला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस 2x एंड कॉस 3x। ठीक है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखें या क्वेश्चन सेकंड देखें, जरा देखो बुक में, देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन सेकंड देखो, वहाँ पे चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स में दे रखा है। जैसे यहाँ पे को अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स विथ डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ यहाँ पे तीन चीज़ें प्रोडक्ट रूल लग रही है, हालांकि मैं प्रोडक्ट रूल से ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, बट दैट विल बी टू लेंथी फॉर मी, वो लेंथी हो जाएगा, है ना। अगर हमने थोड़ा सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसे y इक्वल्स टू रूट में दे रखा है, दो ब्रैकेट ऐसे डिवाइड बाय ऐसे, तीन ब्रैकेट बना रखे हैं, तो सोचो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो पहले तो मुझे रूट का करना पड़ेगा, फिर अंदर इसका डिवाइड रूल लगना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन के बाद प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, दैट विल बी टू लेंथी। सो जब चीज़ें मेरी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे मल्टीप्लाई जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, तब। दूसरा, पहला रूल क्या सीखा, लॉग कब लगाना है, जब जिसका डिफरेंशिएशन करना है, जब उसका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी है, तो लॉग तब लगेगा जब चीज़ें, जब क्वेश्चन मेरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो। ठीक है, सेकेंड थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, सेकेंड क्या है बच्चों, ये सुनना, सेकंड जैसे x के ऊपर cos x, मतलब पहला तो लगा मुझे जब क्वेश्चन को, आप लोग अपनी एनसीईआरटी के अंदर ऊपर लिखना, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, पहला सिंपल लैंग्वेज लिखो अपने आराम से। दूसरा, जब क्वेश्चन फंक्शन, कोई फंक्शन है उसके ऊपर दोबारा फंक्शन हो, क्या बोला मैं, फंक्शन की पावर में एक फंक्शन हो, तब लगेगा लॉग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइस, फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो,
एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन के थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन क्वेश्चन देखें बच्चों, एक्स क्यूब पर कॉज एक्स, क्या एक्स एक फंक्शन है? उसकी पावर में जो आ रहा है कॉज एक्स, क्या वो एक फंक्शन है? तो फंक्शन की पावर में फंक्शन। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ, क्या एक्स स्क्वायर एक फंक्शन पर फंक्शन? नहीं, ये सिंपल एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। देखो log x की पावर में अगर मैं x स्क्वायर लिखता हूँ तो log x एक फंक्शन है, x स्क्वायर एक फंक्शन है। आई बात समझ में? परफेक्ट क्लियर है। इसमें भी एक गलती करते हो बताऊंगा, वो क्वेश्चन करते वक्त वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, एक मिस्टेक सिखाऊंगा जो आप लोग करते हो और वो 60% बच्चे करते हैं, ठीक है? हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सीख लें कि कब लगाना है। तो एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फंडा हो गया, सेकंड फंक्शन के ऊपर फंक्शन, और देखो साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, क्या ये फंक्शन पे फंक्शन कहलाएगा? नहीं, ये तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा, ये फंक्शन पे फंक्शन नहीं है। हालांकि आई कैन डू बाय लॉग, पर ये फंक्शन में फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन है ऐसा अपने अंदर, ठीक है? चलो और देखो, मन से बनाओ ना, साइन एक्स की पावर में लॉग एक्स हो, जरा देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया, कुछ भी ले लो यार बच्चों, एनीथिंग, यू कैन टेक एनीथिंग, टेन एक्स हो गया की पावर एक्स की पावर क्यूब है, तो अगेन सी फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन आ रहा है, तो वापस यहाँ पे लगाना है मुझे लॉग, यहाँ पे नहीं लगाना है लॉग, यहाँ लगाना है लॉग, यहाँ लगाना है लॉग, क्लियर हुआ यहाँ पे? तो क्या आया, फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन हो तो मुझे लगाना है, मुझे अप्लाई करना है लॉग, ये प्लीज एनसीईआरटी के ऊपर लिखे हैं ब्लैक पेन से, ठीक है? श्योर, चले आगे अपन, दो फॉर्म पे कॉम्प्लेक्स हो क्वेश्चन और फंक्शन पे फंक्शन हो, क्लियर? नोट करें इन चीजों को। नाउ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब सीखो, नाउ देखो बच्चों, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, नाउ मैं सिंपल वे में तो निकालना मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, प्रोडक्ट लगाऊं मैं, सो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, यहां आया log y, फिर log ब्रैकेट में cos x cos 2x cos 3x, परफेक्ट। सो ये लग रहा है पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला, log m into n equals to log m plus log n, आप लोग बार बार फॉर्मूला लिखें ताकि याद रहेगा आपको, log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x, परफेक्ट, क्लियर हुआ? नाउ डिफरेंशिएटिंग करते हैं बोथ साइड, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्लियर? नाउ चेन रूल, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मुझे बार बार आगे करना नहीं पड़ेगा। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो लॉग का होगा 1/y, लॉग का होगा 1/y, फिर वाई का होगा बच्चों dy/dx, हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में किया हुआ है अच्छे से 5.3, लॉग वाई का 1/y, लॉग का ये लॉग का हुआ, वाई का dy/dx, ठीक है ना? वापस एक और एग्जाम्पल, y स्क्वायर का क्या होगा 2y dy/dx, y क्यूब का क्या होगा 3y dy/dx, ठीक है? मेंबर जस्ट अ रिवीजन, ठीक है? नाउ मूव करते हैं आगे अपन लोग, 1/y dy/dx, नाउ सी log का क्या होगा बच्चों 1/x, तो log cos है तो 1/cos x, और cos का होगा -sin x, डायरेक्टली कर सकते ना इतना तो अपन बड़े हैं अब तो, प्लस log का होगा 1/cos 2x और cos का होगा -sin 2x, पर मैं आगे गया बच्चों 2x का होगा क्या होगा 2 होगा, तो मैं -2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे
टू एक्स का क्या हुआ, टू जिंदा रह गया, साथ में वेरिएबल है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। प्लीज़ ये बेसिक कंसेप्ट सबके होने चाहिए। फिर बच्चों इधर आ जाओ, कॉस थ्री एक्स, कॉस का होगा माइनस साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स का होगा बच्चों थ्री, परफेक्ट। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, नाउ देखो बच्चों मस्त चीज देखो, क्या इसको पैक कर दूं मैं एक ब्रैकेट में, पैक हो गया। इस y को जरा यहाँ भेज दो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भाई साहब y वाला यहाँ आ गए, आपको मिला माइनस साइन अपन कॉस टेन एक्स प्लस माइनस माइनस टू साइन अपन कॉस टेन टू एक्स, परफेक्ट। प्लस माइनस माइनस साइन अपन कॉस टेन थ्री एक्स, क्लियर। नाउ आई कैन टेक माइनस एज ए कॉमन, माइनस को मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे। चलो आगे अपन चलते हैं। सो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, ठीक है। मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो बाहर आ जाएगा माइनस टेन का टेन एक्स, फिर प्लस टू टेन एक्स टेन टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे थ्री रहना रह गया, थ्री का थ्री थ्री टेन थ्री एक्स, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या कंसेप्ट में आया कि यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स थी तो मेरे लिए लॉग लगा के काम मेरे लिए इजी हो गया, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। नाउ दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन देख रहे हो इसकी। अगर मैं नेचुरल प्रोसेस से जाऊँ मैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट अगर हम लोग लॉग लगाएं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको यही रिकॉग्नाइज करना है कि लॉग लगाना कब है आपको, ठीक है। नाउ पुटिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। नाउ लॉग वाई, नाउ कैन आई राइट लाइक दिस, समझना रूट मतलब क्या होता है, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस फाइव। अगर इस रूट को मैं हाफ लिख सकता हूँ देन यू नो द प्रॉपर्टी, कि आगे ये आगे आ जाएगा मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरा जो फॉर्मूला था log m की पावर n, तो n हो जाएगा और log m हो जाएगा, क्लियर। सो ये आगे आया log y इक्वल्स टू हाफ log, ठीक है। अब मैं साइमल्टेनियसली एक प्रॉपर्टी और लगा रहा हूँ विद ए ओपनिंग ए ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों ओपन किया, क्योंकि हाफ जो है अंदर होने वाली हर चीज़ से मल्टीप्लाई होने वाला है। मैं लगा रहा हूँ log m अपॉन n। बच्चों आप लोग भी फॉर्मूला लिखें, आप लोगों के लिए फॉर्मूला ईजी नहीं है बिकॉज कई लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला log m अपॉन n। तो log m क्या है, ये पूरा x माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस log n, ये पूरा n है, log x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एंड x माइनस फाइव। आई थिंक क्लियर हुआ है आपको, ठीक है ना। ये हाफ इस पूरे से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो प्लीज मुझे पता है कई लोग ये ब्रैकेट लगाते ही नहीं, दैट इट सीम्स लाइक कि ये हाफ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इससे नहीं, ये तो पूरे से इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। खेल ब्रैकेट का है गाइस, धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर पूरा खेल ब्रैकेट्स का हो जाएगा, ठीक है ना। अभी और भी कुछ लग रहा है फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों log m into n वाला, ये होता है log m plus log n, ठीक है। अब देखो log m into n, log m into n into a, ठीक है। सो क्या है, देखो अभी तक डिफरेंशिएशन तो चालू हुआ ही नहीं है, सिंपल हम लोग log लगा रहे हैं, log x minus 1 log log x माइनस टू माइनस, अब खेल देखना है यहाँ पे, एक खेल देखना नया, ये हुआ log x माइनस थ्री प्लस log
x माइनस फोर। कई लोग जो मात खाते हैं ना वो यहाँ खाते हैं, सो प्लीज x माइनस फाइव एंड सी हाउ आई एम यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट। ये सीखो, ये कला ही सीखो, ये सीखोगे तो गलतियाँ कम होगी, ठीक है। एग्जामिनर भी आपको काफी पसंद करेगा। नाउ सी, ये माइनस अभी इनसे मल्टीप्लाई होगा, आप लोग क्या करते हो, सोचते नहीं हो, ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ मैं तो इट सीम्स लाइक कि माइनस सिर्फ इसका है, बाकी लोग प्लस में, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखो, ये होती गलतियाँ होती, गलतियाँ सीखो। आप मुझसे पढ़ रहे हो वीडियो पे, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, पर मुझसे सीखोगे हमेशा क्या सीखोगे, गलतियाँ, कि गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है, आम गलतियाँ जो आम इंसान करता है, जो 70-80% बच्चे जो करते हैं वो सीखोगे आप लोग, ठीक है। नाउ log y equals to half, now see log x minus 1 log x minus 2, minus will multiply log x minus 3, minus इधर ही मल्टीप्लाई हुआ log x minus 4 and minus log x minus 5, ठीक है, clear? Now start करते हैं differentiation, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमने लॉग लगाया, डिफरेंस चालू अब होगा हमारा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। नाउ मत चलो अब लॉग का, लॉग का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, परफेक्ट। अब कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, इतना बड़ा वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कॉन्स्टेंट जिंदा रह जाएगा हाफ। अब देखना भाई, ठीक है, अब अच्छे से देखना, लॉग का डिफरेंस होता है वन अपॉन एक्स, तो इधर क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस वन, फिर चेन रूल लगा, मैं अंदर पहुंचा, तो किस्मत से अंदर क्या चल रहा था, x का हो गया 1, 1 का हो गया 0, ठीक है, ध्यान रखना। प्लस log 1 अपॉन एक्स माइनस टू, फिर किस्मत से फिर अंदर गया, चेन रूल से अंदर गए तो क्या मिला मुझे यहां पे, 1 माइनस 0, माइनस लॉग का हुआ तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर चेन रूल से बच्चों में अंदर गया तो x का होता है 1 माइनस 0, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, अंदर गया तो मुझे मिला 1 माइनस 0, देन माइनस एक्स माइनस 5 1 अपॉन, और मुझे अंदर मिला 1 माइनस 0, बट डेफिनेटली मुझे चेन रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो मेरा प्रोसेस है, सब लोगों ने वीडियो देखे हैं चेन रूल के, डी वाई बाई डी एक्स और हाफ। नाउ सी, अच्छा एक काम और अपन और कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या इस वाई को यहाँ भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वाई बाय टू हो जाएगा, परफेक्ट भाई। वन बचो ऊपर सर, देख लो यहाँ पे देखो, वन बचा, वन बचा, वन वन एंड वन मिल रहा है, वन बच रहा है, 1 into 1, 1, तो मुझे क्या मिला, 1 upon x minus 1, 1 upon x minus 2, minus 1 upon x minus 3, minus 1 upon x minus 4, minus 1 upon x minus 5, clear हुआ आपको यहाँ पे, तो जो y की value है, उसको put कर दो, then dy by dx equals to half, 1 upon 2 दिख रहा है, y की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में जो दिख रही है, इतना बड़ा आंसर आएगा इसका, ठीक है, और साथ में ये जो आंसर दिख रहा है मुझे, अच्छा यहां पे एलसीएम एलसीएम मत लेने लग जाना, वह हमें सिर्फ क्वेश्चन को यहीं छोड़ देने का है, क्लियर हुआ, तो दिस इज माई डी वाई बाई डी एक्स,
अच्छे से देखो, सिंपल लॉग लगाया है, हाफ को आगे लिया, सिंपल लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन किया है, एंड यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हम लोग।